अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 के सेट पर बड़ा हादसा हो गया है। चेन्नई के ईवीपी स्टूडियो के सेट पर मौजूदा क्रेन में क्रैश हो गया है, जिसकी चपेट में आने से फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात कमल हसन भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। बताया जाता है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त वह सेट पर मौजूद थे। हादसे में मधु डायरेक्टर, शंकर के पर्सनल डायरेक्टर कृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक स्टाफर चंद्रन जो 60 साल के थे उनकी मौत हो गई है। बता दें कि इस फिल्म को एस शंकर डायरेक्टर कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था। इस फिल्म के पोस्टर में हर बार की तरह कमल हसन को कुछ अलग अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म में कमल हसन ने एक बुजुर्ग का किरदार निभाया है। फिल्म इंडिया 2 कमल हसन की 1996 में आई फिल्म इंडियन का सीक्वल बताई जा रही है। आपने इन अलग अलग रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में रह चुके कमल हसन इस फिल्म को लेकर मनोरंजन जगत में इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर है कि यह कमल हसन की आखिरी फिल्म हो सकती है। दरअसल कमल हसन ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह अब कोई फिल्म नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा राजनीति में बढ़ रही उनकी सक्रियता के चलते कहा था। उन्होंने कहा था दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते।